समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है तथा सामान्य वर्ग के छात्रों को धन की उपलब्धता और मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि ने बताया, छात्रवृत्ति में हमारे विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के दसोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति के लिए तो सभी को दे है छात्रवृत्ति, लेकिन सामान्य वर्ग में धन की उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। जितना धनराशि शासन के द्वारा निर्धारित रहती है वह मेरिट और अंकों के आधार पर, मेरिट और गरीबी रेखा के नीचे जो छात्र हैं, जो गरीबी का सर्टिफिकेट है, आय और मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। तो धन की उपलब्धता और मेरिट और इनकम के आधार पर ये छात्रवृत्ति दी जाती है। कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं कि छात्रवृत्ति यहाँ जाता है, बैंक अकाउंट या बैंक में मामला फंस जाता है। और देखिए, छात्रवृत्ति में बैंक के अकाउंट छात्र को खोलना होता है और छात्र को ही भरना होता है। शासनादेश में व्यवस्था है कि छात्र को अपने आवेदन पत्र भरना है और उनको अपनी त्रुटियों के निर्धारण के लिए, उनको त्रुटियों को दूर करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। ये छात्र का उत्तरदायित्व है कि वो समय रहते अपने खाते में यदि कोई कमी रह गई है या अपने फॉर्म में कोई कमी रह गई है उसको दूर कर दे। यदि वो दूर नहीं करता है इसके बावजूद, समय देने के बावजूद, तो फिर छात्रवृत्ति से वंचित है। इस तरह के छात्र जो इस तरह की समस्या पीड़ित तक कहाँ संपर्क करें? ये समस्या संपर्क करने की बात नहीं, वो अपने आवेदन पत्र को ठीक से भरे, उन समस्या की बात ही नहीं है। क्योंकि छात्रवृत्ति नियमानुसार दी जानी है तो छात्र को आवेदन पत्र भरने में सही भरना चाहिए और उसको अतिरिक्त जो 10 दिन का समय दिया जाता है तो उस 10 दिन में अपने आवेदन में यदि कोई त्रुटि है तो उसको दूर कर लेना चाहिए।